हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स लाइफ में। सो बच्चों, आज हम लोग 2021 में होने वाले बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए मैथ्स में चैप्टर वाइज सभी चैप्टर से एनसीईआरटी किताब में देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस हमारे एग्जामिनेशंस में पूछे जाएंगे। बिल्कुल रिवाइज सिलेबस से जो भी हमारे एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस आएंगे, मैं यहाँ पे आप लोग को सारी क्वेश्चंस टिक करवा दे रहा हूँ। तो एनसीईआरटी किताब आप लोग अपने पास रखें और सभी क्वेश्चंस को टिक करते रहें। सो ये जो टॉपिक है ये हमारे सिलेबस से हटा दिया गया है 2021 बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए। तो इस टॉपिक से जो क्वेश्चंस है वो हमारे एग्जामिनेशंस में नहीं आएंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा से। ठीक है, चलो आइए देखते हैं हम लोग जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी सारी चीज़ें मैं यहाँ पे आप लोग को समझा दूंगा। अब इसी से रिलेटेड एक और थ्योरम है, तो थ्योरम इस चैप्टर से हमारे एग्जामिनेशन में आते हैं नहीं। ठीक है, तो थ्योरम प्रूफ करने के लिए आप लोग का इस एग्जामिनेशन इस चैप्टर से एग्जामिनेशन में नहीं आएगा। अब देखो यहाँ पे एससीएफ फाइंड करने के लिए दिया हुआ है, तो एक क्वेश्चन एससीएफ फाइंड करने के लिए आपके एग्जामिनेशन में रह सकता है, चाहे वो बेसिक के लिए हो या फिर स्टैंडर्ड के लिए हो। तो एससीएफ निकालने के लिए आप लोग जरूर सीख ले, दो मेथड से आप लोग को एससीएफ निकालने के लिए सीखना है। एक तो यूक्लिड्स एल्गोरिथम मेथड है और दूसरा है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो बस आप लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और यूक्लिड्स एल्गोरिथम मेथड से एससीएफ फाइंड करने के लिए सीख लेना, तो आपका यहाँ से एक क्वेश्चन पकड़ा जाएगा। ठीक है, अब इस टाइप वाले जो क्वेश्चन है ये हमारे एग्जामिनेशन में नहीं आएंगे, तो ये आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चाहे ये क्वेश्चन है ये भी आपके एग्जामिनेशन में नहीं आएगा, और ये क्वेश्चन तो हमारे खैर सिलेबस से ही हटा दिया गया है, तो ये आएगा ही नहीं। ठीक है, ये क्वेश्चन आएगा ही नहीं, ये आप लोग को बिल्कुल भी नहीं करना है क्योंकि ये सिलेबस से हटा दिया गया है। ठीक है, अब ये जो एग्जाम्पल फोर है वर्ड प्रॉब्लम टाइप्स का जो क्वेश्चन है इस चैप्टर से भी हमारे एग्जामिनेशन में नहीं आएगा। ये सिलेबस में है लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जामिनेशन में नहीं आते हैं। ओके, लेकिन आपको अगर प्रैक्टिस करनी है तो वो आप कर सकते हो। अब चलो एक्सरसाइज हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन सा सिलेबस में है और कौन सा हमारे एग्जामिनेशन में आ सकता है। तो इसमें से एक क्वेश्चन वन और ये क्वेश्चन थ्री, ये दो ही क्वेश्चन हमारे सिलेबस में है और बाकी ये सारे क्वेश्चन टू फोर और फाइव ये हमारे सिलेबस में नहीं है। तो ये सारे क्वेश्चन तो ऐसे नहीं आएंगे, और ये दोनों क्वेश्चन में से ये क्वेश्चन देखो फिर वर्ड प्रॉब्लम टाइप्स में है, तो ये चांसेस बहुत ही लेस है कि आपके एग्जामिनेशन में आएगा। हालांकि अगर हम क्वेश्चन नंबर थ्री का बात करें तो बस इसमें आपको एससीएफ फाइंड कर लेना है और आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन वर्ड प्रॉब्लम टाइप्स के क्वेश्चन जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि इस चैप्टर से नहीं आता है, तो ये आप लोगों के चांसेस बहुत ही कम है कि आएगा। बाकी एससीएफ निकालने के लिए एल्गोरिथम मेथड हो चाहे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हो तो उससे आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर वन आप लोग कर लें। अब आगे यहाँ पे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, तो थ्योरम तो प्रूफ करने के लिए आएगा नहीं लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमारे एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोग को अगला जो एक्सरसाइज आएगा उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन हमारे एग्जामिनेशन में आ सकते हैं यहाँ पे मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। इससे पहले यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, तो ये एग्जाम्पल आप लोग अवश्य कर ले, ये एग्जाम्पल हमारे एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आप लोग एग्जाम्पल अच्छे से जरूर प्रैक्टिस कर ले, बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों के लिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। चाहे ये एग्जाम्पल हो, ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें एससीएफ और एलसीएम फाइंड करना है, तो ये भी आपके एग्जामिनेशन में आएगा। एससीएफ और एलसीएम आप कहीं पर भी एक भी निकालने के लिए सीख लेते हो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से या तो फिर यूक्लिड्स एल्गोरिथम मेथड से, तो वो आ जाएगा। जैसे ये सारे क्वेश्चंस है तो इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन ये जो एससीएफ और एलसीएम निकालने वाला है तो ये इंपॉर्टेंट होगा। अब ये क्वेश्चन नंबर वन आपके एग्जामिनेशन में बिल्कुल नहीं आएगा क्योंकि बस इसमें हमें प्राइम फैक्टर्स करके छोड़ देना है, तो ये एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन है, ये आपका आएगा ही नहीं। चाहे क्वेश्चन नंबर टू है, ये प्रूफ करने टाइप वाला एक क्वेश्चन है वेरीफाई करने वाला, तो ये भी आपके एग्जामिनेशन में नहीं आएगा, सिर्फ एससीएफ और एलसीएम फाइंड करने के लिए आएगा। ठीक है, वेरीफाई करने के लिए नहीं देगा। जैसे ये भी है, इसमें भी एससीएफ और एलसीएम फाइंड करने के लिए आएगा तो ये दे सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थ्री आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो इसको आप वीआई कर सकते हो इस तरह से। चाहे क्वेश्चन नंबर फोर भी इंपॉर्टेंट है, इसमें भी आप वीआई कर लेना। क्वेश्चन नंबर फाइव जैसे कि अभी ऊपर में एक एग्जांपल देखे 4 to the power n करके, तो सेम इसी टाइप में यहाँ पे 6 to the power n करके क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि जीरो के साथ कभी एंड नहीं होगा, तो इस टाइप वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है, फिर ये वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आपको बनाना है तो इसमें बस एलसीएम निकाल लेना, आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस यहाँ पे 4, 5, 6 ये तीनों क्वेश्चन आप लोग कर लेना, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है। ओके, चलो नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं जिसमें हमें इरेशनल नंबर प्रूफ करने के लिए क्वेश्चंस दिया हुआ रहेगा।
अब ये जो क्वेश्चन है, ये जो थ्योरम आपको दिख रहा है कि रूट टू एक इरेशनल नंबर है, ये प्रूफ करके बताएं, तो इसको आप 100% लिख लो कि ये आएगा ही आएगा। तो जो 100% फिक्स क्वेश्चन होगा ना, तो उसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लेना, ठीक है। और वहाँ पे आप 100% फिक्स आप लिख सकते हो। और आप जब क्वेश्चन पेपर एग्जामिनेशन दे के आओगे, तो आप लोग चेक कर लेना कि मैं यहाँ पे जो भी चीज़ आपको बता रहा हूँ वो आपके एग्जामिनेशन में जरूर आए हुए रहेंगे, जो भी 100% मैं कर रहा हूँ। जैसे कि ये हो गया रूट थ्री, या तो रूट टू रहेगा या फिर रूट थ्री रहेगा। रूट टू पूछने के चांसेस बहुत कम रहता है, तो आप लोग रूट थ्री और रूट फाइव वाला देख ले। सबका बनाने का प्रोसेस तो सेम ही होता है। एक अगर बन जाएगा तो आप सारा ही कर सकते हो। एक ये भी क्वेश्चन 100% में आप लिख लो, इस टाइप वाले जो एक क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो इसको भी आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट ही लिखना, एग्जाम्पल 10। ओके, ये क्वेश्चन फिर उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। एग्जाम्पल जो 11 दिख रहा है यहाँ पे, 11 नंबर, ये उतना इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, ठीक है। बाकी अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो कर सकते हो, क्योंकि ये रिवाइज सिलेबस में, ये सिलेबस में है। ओके, सो प्रैक्टिस करना है तो आप कर सकते हो, लेकिन उतना इम्पॉर्टेंट हमारे एग्जामिनेशन के लिए नहीं है। अगर हम एक्सरसाइज का बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, क्वेश्चन 3 का 1 और 3 का यहाँ 3, ये सारे इम्पॉर्टेंट है, ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। ओके, चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज हम लोग देखेंगे 1.4। तो एक्सरसाइज 1.4 का यहाँ पे जो क्वेश्चन आप लोग को दिखेगा, वो टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन से रिलेटेड दिखेगा। अब आपके एग्जामिनेशन में यहाँ से एक क्वेश्चन 100% फिक्स है कि आएगा, लेकिन जो क्वेश्चन पूछने का तरीका होगा वो डिफरेंट होगा। ये आपके एग्जामिनेशन में लिखा हुआ नहीं रहेगा, कुछ अलग टाइप में लिखा हुआ रहेगा। और इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का इस चैप्टर से। तो आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के भी वीडियोस को जाके अवश्य देख ले, आपको वहाँ पे पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस हमारे एग्जामिनेशन में आते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एनसीईआरटी से तो मैं टिक करवा ही दे रहा हूँ। तो क्वेश्चन यहाँ से एक जरूर रहेगा, इसमें क्वेश्चन का पूछने का तरीका कुछ इस तरह से रहेगा कि या तो हमें यहाँ पे टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बताना है कि कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा, या तो कितने प्लेसेस के बाद डेसिमल लगेगा, या तो रेशनल और इरेशनल इसमें से कौन कौन सा है कौन सा नहीं है ये बताएं। तो इस टाइप में क्वेश्चन रहता है, ठीक है। आप लोग एक बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस को देख ले। और हाँ, ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप 100% फिक्स कर लेना। लेकिन हाँ, क्वेश्चन का पूछने का तरीका अलग होगा, बस ये ध्यान रखना, लेकिन आएगा। क्वेश्चन नंबर 2, ये भी क्वेश्चन हमारे एग्जामिनेशन के लिए आने का चांसेस बहुत ही कम ही है कि आएगा, क्योंकि मैंने जैसे कि आप लोग को बताया कि क्वेश्चन ऐसा सेम टू सेम लिखा हुआ नहीं रहेगा, आएगा लेकिन तरीका अलग होगा पूछने का, ठीक है, तरीका अलग होगा। तो आप लोग देख ले एक बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोज़ को देख ले। और क्वेश्चन नंबर 3 भी इंपॉर्टेंट है, ये सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही है, लेकिन मैं यहाँ पे जैसे बार बार आप लोग को बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन आपका ये दिया हुआ नहीं रहेगा, पूछेगा दूसरे टाइप में। ओके, जैसे ये क्वेश्चन है, ये दिया हुआ रहेगा और आप लोग को बोला जाएगा कि ये रेशनल है या फिर इरेशनल नंबर है, ये हमें बताएं, ठीक है। तो आपको वहाँ पे ऑप्शन दे देगा, रेशनल, इरेशनल, नन ऑफ द अबव, या तो फिर कुछ भी दूसरा ऑप्शन दिया रहेगा, टिक करना रहेगा, या तो फिल इन द ब्लैंक्स में रह सकता है, ट्रू फॉल्स में रह सकता है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस दिए हुए रहेंगे। किस टाइप का क्वेश्चंस हमारे एग्जामिनेशन में रहेगा, उसके लिए आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस को जाके जरूर देखें। ये हम लोग का यहाँ पे चैप्टर 1 कंप्लीट होता है। चलो आगे देखते हैं अब हम चैप्टर 2 से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। चैप्टर 2 है पॉलीनोमियल एक्सरसाइज 2.1 का अगर हम बात करें, तो इस एक्सरसाइज में एक ही क्वेश्चन है जो कि हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग VVI करके टिक कर लेना, 2020 में भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। एक्सरसाइज 2.2 से पहले कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल्स आएंगे, यहाँ पे एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। तो ये एग्जाम्पल आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चाहे एग्जाम्पल 3 हो ये भी इंपॉर्टेंट है। यानी कि यहाँ पे हम लोग कुल मिलाकर अगर हम बात करें, तो एक क्वेश्चन आप लोगों का 0 निकालने के लिए इस बार दिया हुआ रहेगा, भले ही वेरीफाई आए या फिर नहीं आए। इसके बाद यहाँ पे एग्जांपल 4 भी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमें क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल फॉर्म करने के लिए दिया हुआ रहता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आएंगे, तो ये सारे क्वेश्चन टिक करते जाएं। अब एग्जाम्पल 5 है, तो ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में जल्दी पूछे नहीं जाते हैं, तो ये क्वेश्चन आपके लिए उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आपको अगर प्रैक्टिस करना है तो कर सकते हो, ये हमारे सिलेबस में है, लेकिन बहुत ही कम चांसेस है कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। एक्सरसाइज 2.2 में यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, दोनों ही क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। VVI है, जिसमें हमें जीरोज की संख्या फर्स्ट क्वेश्चन में निकालना है और सेकेंड में क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल बनाना है।
तो इन क्वेश्चंस को आप लोग टिक कर ले VVI करके, ठीक है। अब ये वाला जो टॉपिक है डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलीनोमियल्स, तो ये टॉपिक हमारे सिलेबस से हटा दिया गया है 2021 बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, तो ये टॉपिक हटा दिया गया है, तो ऐसे क्वेश्चंस अब नहीं आएंगे। जो डिवाइड टाइप वाले जो क्वेश्चंस हैं डिवाइड करने वाले को लेकर, जैसे ये एग्जाम्पल 7 है, तो ये सब क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है, जो भी डिवाइड वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे अगर हम कुल मिला के अगर हम बात करें, अब जैसे यहाँ पर भी ये जो क्वेश्चन है पहले के अगर हम देखते हैं 2020 से पहले या फिर 2020 में, तो ये आप लोग के एग्जामिनेशन की अगर देखें तो 100% फिक्स रहता ही था, ठीक है। लेकिन इस बार से हटा दिया गया है, तो ये सब आपके एग्जाम में अब नहीं आएंगे, ठीक है। तो अगर हम देखें यहाँ पे 2.3 का बात करें, तो इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा, कोई भी नहीं, ठीक है। तो पूरा का पूरा 2.3 आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है, ये फिक्स है, कुछ भी करने का आवश्यकता आपको इसमें नहीं है। अगर हम 2.4 का बात करें, तो ये सब क्वेश्चन भी हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखो बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि ऑप्शनल वाला आएगा या फिर नहीं आएगा, लेकिन मैंने पहले भी आप लोगों को बताया हुआ है कि ऑप्शनल से भी क्वेश्चन आएंगे। अगर हम इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का बात करें, तो जैसे ये क्वेश्चन नंबर 2 है आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग कर लेना। इसके बाद यहाँ पे एग्जाम्पल यहाँ पे 3 है, ये भी हमारे एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, ये सब आप लोग करने का आवश्यकता नहीं है, ठीक है, ये सिलेबस से हटा दिया गया है। तो 2 और 3 आप लोग कर ले, इंपॉर्टेंट भी है और हमारे सिलेबस में भी है, ठीक है। और बाकी का बाकी जो है बच गया वो हमारे सिलेबस में है ही नहीं, ठीक है ना। सो ये हो गया चैप्टर 2। अब चलो आगे हम लोग चैप्टर 3 से देखते हैं कि कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो चैप्टर 3 है पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। एक्सरसाइज 3.1 का अगर हम बात करें, तो इसमें 3 क्वेश्चन है, तीनों ही क्वेश्चन एक वर्ड प्रॉब्लम टाइप्स में है और इसे ग्राफिकली हमें रिप्रेजेंट करना है। तो इस टाइप वाले जो क्वेश्चंस हैं ये पहले पूछे जाते थे, अब ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, खास करके वर्ड प्रॉब्लम्स में। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे। बाकी आपको अगर प्रैक्टिस करना है तो प्रैक्टिस के लिए आप बना सकते हो, क्योंकि ये सिलेबस में है बट एग्जाम में नहीं आएंगे, ओके। हम बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आज देख रहे हैं कि एनसीईआरटी में कौन कौन से क्वेश्चंस हमारे एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है, तो ऐसे टाइप वाले भी क्वेश्चंस पहले पूछे जाते थे, अब इस टाइप वाले क्वेश्चंस नहीं आते हैं। लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस की मैं आपको एक सजेशन करूंगा कि एक आप लोग प्रैक्टिस करके रखो ग्राफ बनाने के लिए, कि किस प्रकार से हम ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। तो ग्राफ बनाने के लिए अगर आप सीख जाओगे तो फिर आप किसी भी क्वेश्चंस को बना सकते हो। सो इस क्वेश्चन को हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ वेरी इंपॉर्टेंट कर सकते हैं, मतलब इंपॉर्टेंट हम इसको कर सकते हैं, क्योंकि इस टाइप वाले क्वेश्चंस में भी आ जाए, हालांकि आता नहीं है। एक क्वेश्चंस की अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो इससे बाकी क्वेश्चंस भी आपके सॉल्व हो जाएंगे, इस वजह से मैंने इसको बस इंपॉर्टेंट के लिस्ट में रखा हुआ है। अब जैसे ये भी क्वेश्चन है, तो अगर आपने वो सीख लिया तो ये भी आप आराम से बना सकते हो, तो इस वजह से मैंने उसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट में रखा हुआ है। बाकी ये क्वेश्चन आपका 100% फिक्स है कि नहीं आएगा, तो ये करने का आवश्यकता आपको नहीं है। इसके बाद आगे हम लोग इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन को देखते हैं, तो ये जो वर्ड प्रॉब्लम टाइप्स के क्वेश्चन है ये नहीं आएगा, खास करके ग्राफ में बनाने के लिए तो आता ही नहीं है। अब इसके बाद आगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप 100% फिक्स लिख लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ये आएगा ही आएगा आपके एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो इसमें हमें करना क्या रहता है कि इंटरसेक्ट का एट ए पॉइंट में क्या होगा, पैरेलल के लिए क्या होता है, कोइंसिडेंट के लिए क्या होता है। तो क्वेश्चन का जो तरीका होगा पूछने का आपके एग्जामिनेशन में, वो जरूरी नहीं कि सेम ऐसे ही होगा, वो चेंज होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस में आपको इसका भी मिल जाएगा कि किस प्रकार से इसके क्वेश्चंस आएंगे, तो आप लोग देख ले और इस क्वेश्चन को आप लोग अवश्य प्रैक्टिस कर ले, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आते हैं। या फिर आपका यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 है, ये भी आपका 100% फिक्स है, ऐसे टाइप वाले क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन का जो पूछने का तरीका होगा वो डिफरेंट होगा, बस यहाँ पे आप लोग ध्यान रखना, यहाँ पे कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट हमें बताना है कि कौन सा कंसिस्टेंट होगा कौन सा इनकंसिस्टेंट होगा, ठीक है। तो चलो आगे देखते हैं, आगे यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 4 में, तो यहाँ पे हमें ग्राफिकली बनाना है, इसके बाद हमें फिर बताना है कि कौन सा कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला ही है कि अगर एक आप ग्राफ सीख लेते हो तो इनमें से कोई भी क्वेश्चंस को आप बना सकते हो, हालांकि ये हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, इस टाइप वाले क्वेश्चंस अब ग्राफ वाले नहीं आते हैं। और ये सब आप लोगों को कुछ भी करने का जरूरत नहीं है, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, अब ये आगे एक मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो दो मेथड, एक एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड, यही हमारे सिलेबस में है, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हटा दिया गया है। तो इस टाइप वाले एक क्वेश्चंस की आप लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आएगा तो वो आप बना सकते हो आराम से। तो एक
क्वेश्चन आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, किस प्रकार से हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से एक्स का वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर सकते हैं, खास करके बेसिक वालों के लिए। ठीक है, स्टैंडर्ड वालों के लिए कुछ दूसरा टाइप का क्वेश्चन आएगा, लेकिन बेसिक वालों के लिए ये क्वेश्चन एक सब्स्टिट्यूशन मेथड में हाई चांसेस है कि आएगा। ओके, चलो आगे देखते हैं हम। इसके बाद यहाँ पे एक और एग्जांपल है, यहाँ पे एग्जांपल 8। तो ऐसे वाला जो क्वेश्चंस रहता है कि क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करो एक्सरसाइज 3.1 को सब्स्टिट्यूशन मेथड से, तो ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे आपके एग्जाम में। ओके, चलो यहाँ पे आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जो एग्जाम्पल दिया हुआ है। आगे देख लेते हैं और क्या क्या कुछ इसमें है। इसमें एक्सरसाइज 3.3 है, तो इसमें से कोई भी एक क्वेश्चन रह सकता है सब्स्टिट्यूशन मेथड से, चाहे ये क्वेश्चन भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नहीं कर सकते हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 2 को आप लोग टिक कर ले, क्वेश्चन नंबर 1 को आप लोग टिक कर ले। और यहाँ पे अब वर्ड प्रॉब्लम टाइप्स का क्वेश्चन है। अब वर्ड प्रॉब्लम टाइप्स के क्वेश्चन में कौन सा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैं आप लोग को टिक लगवा दे रहा हूँ। इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप लोग अच्छे से जरूर कर ले, जैसे कि ये क्वेश्चन नंबर 1 है, बाकी ये दोनों अगर आप नहीं भी करते हो तो चलेगा, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 को आप लोग अच्छे से कर लेना। ठीक है, आगे इधर हम देखते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 6 है, तो ये सारे क्वेश्चंस आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करना। ओके, यहाँ पे अब एलिमिनेशन मेथड आ गया। एलिमिनेशन मेथड से अब हमें सॉल्व करना है, एक मेथड सीखना है एलिमिनेशन मेथड से, किस प्रकार से हम एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो उससे रिलेटेड यहाँ पे एक वर्ड प्रॉब्लम टाइप्स में क्वेश्चन है, तो ये भी हमारे एग्जामिनेशन के लिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, हालांकि सिलेबस में है, प्रैक्टिस के लिए आप करना चाहते हो तो कर सकते हो। जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे बस मैं वो आप लोग को बता दे रहा हूँ। अब जैसे ये क्वेश्चन है कि एलिमिनेशन मेथड का यूज करते हुए हमें इसको जो है सॉल्व करना है, तो ये स्टैंडर्ड वालों के लिए खास करके देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग टिक कर लेना। इसके बाद हम आगे आते हैं। अच्छा, ये जो एग्जाम्पल 13 है, ये भी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टू डिजिट वाला जो नंबर रहता है, तो ये ऐसे क्वेश्चन भी हमारे एग्जामिनेशन में आते हैं, सो इसको भी आप लोग टिक कर लेना वेरी इंपॉर्टेंट लिख के। चलो आगे देखते हैं। एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 1 में सारे क्वेश्चंस को एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड दोनों ही मेथड से हमें बनाने हैं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड तो हमने पहले सीखा, सारे क्वेश्चंस को आप लोग एलिमिनेशन मेथड से बनाने के लिए सीख जाना। कोई भी अगर आप एक सीख लेते हो तो बाकी किसी भी क्वेश्चंस को बना सकते हो। तो इन क्वेश्चंस की आप लोग बस प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, सो आप लोग इसको टिक कर लेना, ऐसे क्वेश्चंस को आप लोग बनाना है। अब आ जाते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स में, क्योंकि बच्चों को यहीं पर प्रॉब्लम होती है कौन सा क्वेश्चन अच्छे से करें कौन सा नहीं करें। तो देखो, ये इस टाइप वाले क्वेश्चंस को अच्छे से करना है, जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एक फ्रैक्शन टाइप में दिया हुआ रहता है। दूसरा कि एज वाले क्वेश्चंस को आप लोग को अच्छे से करना है। तीसरा कि सम ऑफ द डिजिट्स करके जो एक क्वेश्चन रहता है उसको करना है। तो ये तीन क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और यहाँ एक चौथा जो क्वेश्चन है, ये आप लोग के लिए एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। अगर इसमें से कोई क्वेश्चन अगर आप छोड़ना चाहते हो तो इसको आप छोड़ सकते हो। इस टाइप वाले क्वेश्चंस बहुत ही कम पूछे जाते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ये वाला हमारे सिलेबस से 2021 बोर्ड एग्जामिनेशन के सिलेबस के लिए हटा दिया गया है, तो ये आप लोगों को पढ़ना ही नहीं है। तो इससे रिलेटेड आगे जो भी क्वेश्चंस आएगा वो आप लोगों को करने ही नहीं है, ठीक है। यहाँ से आप लोग को ये सारे क्वेश्चंस जो दिखेंगे, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आप लोग को कुछ भी नहीं करना है। जैसे यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे एग्जांपल 15 दिया हुआ है, तो इसमें हमें सॉल्व करना है, सॉल्व करना है यूनिक सॉल्यूशन के लिए। लेकिन यहाँ पे नहीं, ये नहीं दिया हुआ है कि आप इसको बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से बनाओ। सो ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप पूरा 100% फिक्स समझ लो कि 1 मार्क्स में रहेगा, ठीक है। तो इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में रखना, यह आएगा, चाहे ये क्वेश्चन है ये भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आएगा। तो ये क्वेश्चन को भी आप लोग टिक कर लेना, 100% फिक्स क्वेश्चन में ये आएगा। ओके, यहाँ पे अब 3.5 है, तो ये सारे क्वेश्चन में हमें एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड तो हमें पढ़ना है नहीं, तो ये क्वेश्चन आपको करने हैं नहीं। ओके, इसके बाद ये दोनों ही क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन आप लोग एकदम 100% फिक्स करके ही जाना, इसको छोड़ना मत। ओके, आगे ये क्वेश्चन है जो कि हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड दोनों ही से बनाने हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से आपको नहीं बनाना है, ये सिलेबस हटा दिया गया है, बाकी सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड पहले भी सीखा हुआ है, तो ये आप नहीं भी करोगे तो चलेगा। अब चलो आगे आ जाते हैं। यहाँ पे कुछ वर्ड प्रॉब्लम टाइप्स के क्वेश्चन हैं।
अब देखो ऐसा नहीं है कि हम इन क्वेश्चन को नहीं करें बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के एक्सरसाइज में दिया हुआ है तो, क्योंकि सिलेबस में बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हटाया गया है, लेकिन इन क्वेश्चंस को हम एलिमिनेशन मेथड से या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से तो सॉल्व कर ही सकते हैं। सो इनमें से एक आप इसमें से क्वेश्चन नंबर 2 की प्रैक्टिस कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही हाई चांसेज है कि इस टाइप वाले क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस में पूछे जाएंगे। और क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट तो नहीं कर सकते हैं। सो आप लोग यहाँ पे जैसे मैंने कह दिया था, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन 5, इसको आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट में रखना, इसको आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट में रखना, और इसको भी आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट में ही रखना, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लेकिन कम चांसेज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब बहुत हाई चांसेज है कि ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आएगा ही। अब यहाँ पे सॉल्व करना है और एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करना है, तो इस टाइप वाले क्वेश्चंस का प्रैक्टिस आप लोग जरूर कर ले एक क्वेश्चन, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस भी 2020 में पूछा गया था, तो हो सकता है कि आपके एग्जामिनेशन में भी 1/x वाला करके या फिर 1/y करके आपके क्वेश्चंस रहेंगे, और वहाँ पे हमें एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करना होगा। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको आप लोग अच्छे से जरूर बनाएं। चाहे यहाँ पर भी आपको एक और क्वेश्चन दिख रहा होगा, एग्जाम्पल नंबर 18, तो ये भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ही आएगा, इससे रिलेटेड आपके अभी एक्सरसाइज में भी क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एग्जाम्पल 19 है, वर्ड प्रॉब्लम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर एग्जाम, वर्ड प्रॉब्लम, तो इसको भी आप लोग अच्छे से जरूर कर लेना। डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम वाला क्वेश्चंस हमारे एग्जामिनेशन में आते हैं, ओके। चलो ये हो गया। एक्सरसाइज 3.6 में देखो यहाँ बहुत टाइप के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो ऊपर में अगर आपने सीख लिया कि 1/x वाला क्वेश्चन हम लोग ए या फिर बी यू वी करके मान के जो बनाते हैं, एक आपने अगर बनाने के लिए सीख लिया तो आप किसी भी क्वेश्चन को बना सकते हो। सो ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से कोई भी एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेगा, ओके। तो इसमें से कर लेना, और बाकी यहाँ पे अगर हम वर्ड प्रॉब्लम का टाइप का बात करें तो ये क्वेश्चन नंबर 2 करने की आवश्यकता नहीं है, हालांकि सिलेबस में है, आप प्रैक्टिस के लिए करना चाहते हो तो कर सकते हो। इसमें से जो इंपॉर्टेंट है बस वो मैं टिक कर दे रहा हूँ, जैसे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। और ऑप्शनल का अगर हम बात करें कि ऑप्शनल में कौन कौन से क्वेश्चन हमारे एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, तो एज वाला आप लोग एक जरूर कर लेना, एज वाला बिल्कुल ही मत छोड़ना। एक ट्रेन वाला जो क्वेश्चन रहता है, ऐसे क्वेश्चंस का भी आप लोग प्रैक्टिस जरूर कर लेना। बाकी आपको इधर से कुछ भी और करने की आवश्यकता नहीं है, बाकी जो बच गया, ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम। अब इस टाइप वाले क्वेश्चंस भी पहले बहुत ज़्यादा पूछा जाता था, हर बार लगभग पूछा ही जाता था, लेकिन अब ऐसे क्वेश्चंस जल्दी नहीं आते हैं, ओके। तो फिर भी अगर मैं यहाँ पे एक टिक कर दे रहा हूँ, आप क्वेश्चन नंबर 3 को अच्छे से सॉल्व करके जाना, आना रहेगा तो इसमें से ही आपके क्वेश्चन आ जाएंगे, चाहे ये क्वेश्चन नंबर 2 और 3 ये दोनों टिक कर लेना, ठीक है। बाकी अगर ये नहीं करो तो चलेगा, बट इन दोनों को जरूर कर लेना। चलो आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सो आप नहीं भी इसको करोगे तो चलेगा। तो ये हो गया हम लोग का चैप्टर 3 कम्प्लीट। अब चलो आगे हम लोग देखते हैं चैप्टर 4 को। सो चैप्टर 4 है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। एक्सरसाइज 4.1 का अगर हम बात करें तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में हमें पहचानना है कि कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कौन सा नहीं है। तो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, खास करके बेसिक मैथ्स चुनने वाले स्टूडेंट्स के लिए। स्टैंडर्ड के लिए तो खैर नहीं भी आप करोगे तो चलेगा, लेकिन बेसिक वाले इसको जरूर कर ले, पहचानने के लिए आप लोग सीख ले कि कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सा होता है कौन सा नहीं होता है, ओके। अब आगे इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है, कुछ वर्ड प्रॉब्लम टाइप्स के आपको क्वेश्चंस दिखेंगे, तो ये सारी क्वेश्चंस हमारे सिलेबस से हटा दिया गया है, यानी कि इस चैप्टर से आपको कोई भी वर्ड प्रॉब्लम टाइप्स के क्वेश्चंस अब नहीं आएंगे। सो इन क्वेश्चंस की आप लोग को प्रैक्टिस करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, ये हमारे सिलेबस में है ही नहीं। इसके बाद हम लोग आगे आते हैं, यहाँ पे हमें रूट्स निकालने के लिए दिया गया है फैक्टराइजेशन मेथड से, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिस्ट में आप लोग का ये क्वेश्चन आता है, सो इस क्वेश्चन की आप लोग प्रैक्टिस जरूर कर ले। आगे हम लोग आते हैं, इसके बाद यहाँ फिर से एग्जाम्पल 4 में हमें रूट्स निकालना है, तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सो इसको भी आप लोग टिक कर लेना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए। ये भी क्वेश्चंस हमारे एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें भी हमें रूट्स निकालना है, तो एक रूट निकालने वाला क्वेश्चन इस चैप्टर से आपके जरूर आएंगे। बाकी एक्सरसाइज अगर हम 4.2 का बात करें तो इसमें यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं सब में हमें रूट निकालना है, तो इन क्वेश्चंस की आप लोग प्रैक्टिस जरूर करना, ऐसे क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में जरूर आएंगे जिसमें आपको रूट निकालने के लिए दिया हुआ रहेगा। बाकी यहाँ से यहाँ तक सारा का सारा एक वर्ड प्रॉब्लम टाइप्स का क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन तो हमारी परीक्षा में आएंगे ही नहीं।
चलो आगे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट हम लोग का आता है इधर, इसमें कुछ एग्जाम्पल्स हमें मिलेंगे, देख लेते हैं ये सारे एग्जाम्पल्स हमारे एग्जामिनेशन में आ सकते हैं या फिर नहीं। सो इधर आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से ये सब सारे सॉल्व करने के लिए दिए हुए रहेंगे। तो कंप्लीटिंग जो स्क्वायर मेथड है ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये पहले ही हटा दिया गया है, ठीक है, बहुत पहले से ये हटा हुआ है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको नहीं बनाने हैं। सो ये सब सारे आपको क्वेश्चंस करने की आवश्यकता नहीं है। ओके, इधर हम और भी क्वेश्चंस को देखेंगे, मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि कौन से क्वेश्चंस को आप लोग करना है। जैसे ये देखो, ये भी क्वेश्चन आपको नहीं करना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से ये क्वेश्चन भी आपको बनाना है। तो ये सब एग्जाम्पल आप लोग करने की आवश्यकता नहीं है, जैसे ये भी हो गया, ये भी हम लोग करने की आवश्यकता नहीं है, सिलेबस से हटा दिया गया है, तो ये सब आप लोग कुछ भी नहीं करना है। बाकी ये आ गया हम लोग का क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड, तो ये वाला आप लोग को अच्छे से समझना है, सीखना है, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन 100% फिक्स है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से आप लोग का रहेगा। ओके, ये भी करने का आपको आवश्यकता नहीं है, नीचे आपके क्वेश्चंस मिलेंगे जहाँ पे आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड का यूज़ करते हुए सॉल्व करना है, तो वे क्वेश्चंस मैं भी आप लोग को दिखाऊंगा। ये एक वर्ड प्रॉब्लम टाइप का क्वेश्चन है, तो ये तो हमें करना ही नहीं है, जहाँ पर भी वर्ड प्रॉब्लम टाइप का क्वेश्चन मिलेगा नहीं करना है, जैसे ये भी है, ठीक है, हमें यहाँ पे खुद से इक्वेशन क्रिएट करने हैं, ऐसे टाइप वाले क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस 2021 के लिए हटाया गया है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 13 है, जिसमें हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज़ करते हुए सॉल्व करना है और एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। सो ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% एकदम फिक्स है कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर रहेगा, रूट निकालने के लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला से, तो ये क्वेश्चन आप लोग जरूर कर ले। इसके बाद आगे यहाँ पे एग्जाम्पल 4 है, दो क्वेश्चन दिया हुआ है, दोनों ही क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको भी आप लोग टिक कर लेना। नेक्स्ट हम लोग आगे आते हैं इधर, अब यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम टाइप्स का क्वेश्चन है, तो ये तो आएगा ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं, हम लोग एक्सरसाइज में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से एक्स का वैल्यू फाइंड करना है, तो ये क्वेश्चन आपका नहीं आएगा। बाकी क्वेश्चन नंबर 2 का अगर हम बात करें तो इसमें हमें अप्लाई करना है क्वाड्रेटिक फार्मूला का, क्वेश्चन नंबर 1 में, क्वेश्चन नंबर 1 को हमें देखना है और क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करना है और इसे क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड से बनाना है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड से अगर आपने एक बार ऊपर में बनाने के लिए सीख ही लिया, जैसे ऊपर मैंने आप लोग को दिखाया कि क्वाड्रेटिक फार्मूला से ये क्वेश्चन आप लोग बना लेना, तो एक क्वेश्चन की अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो ये क्वेश्चन करने का जरूरत नहीं है, ठीक है, तो ये सब करने का आपको आवश्यकता नहीं है, बस आप लोग मैथड सीख लेना कि क्वाड्रेटिक फार्मूला से किस प्रकार से हम एक्स का वैल्यू फाइंड करते हैं, जैसे कि ऊपर मैंने आप लोग को बताया। इसके बाद यहाँ पे ये क्वेश्चन आप लोग जरूर कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 का 1 और 2, और बाकी इससे रिलेटेड यहाँ पे जितने भी आपको क्वेश्चन दिखेंगे जो कि एक वर्ड प्रॉब्लम टाइप्स का क्वेश्चन है, तो ये सब कुछ भी करने का आपको आवश्यकता नहीं है, सारे क्वेश्चन हमारे सिलेबस से हटा दिया गया है। ओके, वर्ड प्रॉब्लम टाइप्स के कोई भी क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं आएंगे। बाकी आ गया नेचर ऑफ रूट्स, तो नेचर ऑफ रूट्स आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जामिनेशन में इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे इस टॉपिक से रिलेटेड वो जरूर रहेंगे। अब नेचर ऑफ द रूट से रिलेटेड यहाँ पे 3 चीज़ें दी हुई है, तो ये आप लोग को एकदम याद रखनी है, क्योंकि इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड आपके एग्जामिनेशन में जरूर क्वेश्चन रहेंगे, एकदम 100% फिक्स है। अब आगे एग्जाम्पल 16 है, तो ये भी हमारे एग्जामिनेशन के लिए उतने इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि इस टाइप वाले क्वेश्चंस आगे और मिलेंगे, और इसका मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का भी वीडियोस बनाया हुआ है, तो वो भी आप लोग देख ले। हालांकि डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए या फिर नेचर ऑफ द रूट्स वाले जो क्वेश्चंस रहेंगे वो इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन इस टाइप से नहीं पूछे जाएंगे, इसका पूछने का जो तरीका हुआ वो डिफरेंट होगा, और ये मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोज़ में बनाया हुआ है, आप लोग जरूर देख लें। ओके, कि किस प्रकार से क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आते हैं नेचर ऑफ द रूट से रिलेटेड, क्योंकि एनसीईआरटी किताब में उस टाइप वाले क्वेश्चंस नहीं दिए हुए हैं जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में लिया हुआ है। अब ये भी क्वेश्चन एक वर्ड प्रॉब्लम टाइप्स में है, तो ये भी हमारे एग्जामिनेशन में नहीं आएगा। ओके, चलो आगे देखते हैं। एग्जाम्पल 18 इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनेशन में रहेगा वो बिल्कुल इसी टाइप में नहीं दिया हुआ रहेगा, क्वेश्चन का तरीका चेंज रहेगा। सो आप इस क्वेश्चन को भी अगर ना करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपके पास समय है, प्रैक्टिस करना है तो आप कर सकते हो। बाकी इससे रिलेटेड मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में जो आएगा वो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों ही क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इन दोनों ही क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व कर लेना कि किस प्रकार से हम नेचर ऑफ द रूट्स निकालते हैं, रूट्स अगर एग्जिस्ट होता है तो क्या होता है, इसी तरह से हम यहाँ पे के का वैल्यू किस तरह से फाइंड करेंगे इक्वल रूट्स रहा तो ऐसे टाइप वाले क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिस्ट में आते हैं, तो इसको आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लेना, खास करके क्वेश्चन नंबर 2,
ठीक है। बाकी इसको आप इम्पॉर्टेंट भी करोगे तो चलेगा, ठीक है। इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लेना, क्योंकि 100% फिक्स एक क्वेश्चन आपका यहाँ से जरूर रहेगा इस टाइप वाला। सो ये हो गया हम लोग का चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये भी हम लोग देख लिए कि कौन सा क्वेश्चन एनसीईआरटी से आएगा, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। ओके, तो ये खत्म होता है। चलो आगे देखते हैं चैप्टर 5, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब चैप्टर 5 है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हम एक्सरसाइज 5.1 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इससे पहले जो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं तो वो उतने इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि वे जो भी क्वेश्चन दिए हुए एग्जाम्पल्स में वो आपको अभी एक्सरसाइज में भी मिल जाएंगे। अब इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया हुआ है, ये एक वर्ड प्रॉब्लम टाइप्स का क्वेश्चन है, सिलेबस में तो है, क्योंकि सिलेबस में जो वर्ड प्रॉब्लम टाइप्स का क्वेश्चन हटाया गया है वो सम से रिलेटेड हटाया गया है, और ये nth टर्म वाला यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ है, तो ये आपके सिलेबस में है, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस में नहीं आता है, तो ये आपको करने का आवश्यकता नहीं है। बाकी प्रैक्टिस के लिए आप बनाना चाहो तो आप बना सकते हो। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, तीनों ही क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपको इस सभी क्वेश्चंस को जरूर कर लेना है। इसके बाद हम आगे आते हैं। यहाँ पे हम लोग का nth टर्म ऑफ NAP एक टॉपिक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमारे एग्जामिनेशन में जरूर रहते हैं, तो यहाँ पे आप लोग टिक कर ले कौन कौन से क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में रहेंगे। जैसे ये वाला क्वेश्चन आप लोग जरूर टिक कर ले, ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में जरूर रहेगा। आगे है एग्जाम्पल नंबर 4, तो ये ऐसे टाइप वाले भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में जरूर रहेंगे। इसी प्रकार से यहाँ पे एग्जाम्पल 5 है, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन सभी को आप VVI के क्वेश्चंस में रखना। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि इन सब में से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में जरूर रहेगा। जैसे ये भी है, तो ये ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जामिनेशन में काफ़ी बार पूछा गया है, ये भी क्वेश्चंस काफ़ी बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन एग्जामिनेशन में रहता है वो इस चैप्टर से काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। ओके, अब एग्जाम्पल 8 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में जरूर रहेगा। तो जितने भी एग्जाम्पल है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के, तो सभी एग्जाम्पल्स को आप लोग करना है। इसके बाद ये जो वर्ड प्रॉब्लम है ये आपको करने का आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ये भी एग्जाम्पल ही है, लेकिन वर्ड प्रॉब्लम्स करने का आवश्यकता नहीं है। एग्जाम में वर्ड प्रॉब्लम टाइप्स का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से नहीं आता है। ओके, जैसे ये भी है, ये भी करने का आवश्यकता नहीं है। अब आगे आते हैं इसके एक्सरसाइज में। तो एक्सरसाइज में ये भी करने का आवश्यकता आपको नहीं है, क्योंकि इस टाइप वाला जो बॉक्स या फिर टेबल टाइप के जो क्वेश्चंस रहेंगे वे आपके परीक्षा में तो आएंगे नहीं। बाकी यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को आप लोग कर ले। और यहाँ पे जो 3 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है, ये ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में नहीं आते हैं, तो आपने इसको नहीं भी करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी क्वेश्चन नंबर 4 आपको जरूर करना है, क्वेश्चन नंबर 5 करना है, क्वेश्चन 6 करना है, क्वेश्चन 7 करना है। इन सब में से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ, इन सब में से आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% फिक्स जरूर रहेगा। जिसमें से क्वेश्चन नंबर 10 को आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिस्ट में शामिल कर लेना। और इसके बाद यहाँ पे एक आपको मैं और क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, यहाँ पे एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 9। इस क्वेश्चन को भी आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिस्ट में शामिल कर लेना, क्योंकि इस टाइप वाले जो क्वेश्चंस हैं वो परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 11, ओके। बाकी क्वेश्चंस का भी आपको प्रैक्टिस करते जाना है, और क्वेश्चन नंबर 16 भी आप लोग को अच्छे से जरूर सॉल्व करना है। क्वेश्चन 9, 11, 16, इस तीनों क्वेश्चन को आप लोग को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिस्ट में शामिल रखना है। ओके, चलो आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17। ये क्वेश्चंस भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसका जो यहाँ पे जो वर्ड प्रॉब्लम टाइप्स का क्वेश्चन है ये एग्ज़ाम में तो नहीं आएगा। बाकी आप प्रैक्टिस के लिए इन दोनों क्वेश्चंस को कर लेना, ठीक है। बाकी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यही दोनों है, और ये एक 18 नंबर को भी आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट के ये लिस्ट में रखना, 18। ओके, बाकी 17 भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस एक्सरसाइज में हम यहाँ पे देख रहे हैं कि काफ़ी क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर रहेगा, और खास करके जो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट बोला तो वो क्वेश्चन आपको जरूर करना है। आगे हम लोग का जो नेक्स्ट एक्सरसाइज आएगा वो सम से रिलेटेड होगा, तो सम वाला जो वर्ड प्रॉब्लम्स का जो क्वेश्चन है वो ऐसे ही हमारे एग्जामिनेशन के लिए हटा दिया गया है, हमारे सिलेबस में है ही नहीं, ठीक है, 2021 बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। तो ये क्वेश्चन आपको फिलहाल करना ही है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। जितने भी एग्जाम्पल्स होंगे
जो वर्ड प्रॉब्लम टाइप्स के क्वेश्चंस है उसको छोड़ के जितने भी एग्जांपल्स आपको दिखेंगे सारे एग्जांपल आप लोग को जरूर कर लेना है। जितना भी यहाँ पे अभी मैं टिक कर रहा हूँ सारे क्वेश्चन आप लोग टिक कर लें, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। ओके, यहाँ पे चाहे ये भी क्वेश्चन क्यों ना हो इस टाइप वाले भी क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है सम से रिलेटेड है, वर्ड प्रॉब्लम है, तो नहीं आएगा क्योंकि सिलेबस में ये है ही नहीं। ओके, अब आगे हम एक्सरसाइज 5.3 का अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चन 1, 2, 3 तीनों ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए, तीनों ही को कर लेना है। बाकी इधर एक ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, ठीक है, 5 है, 6 है, सारे क्वेश्चंस आप लोग को बनाने हैं। बाकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। बाकी इधर 15 के नीचे, 15 के नीचे जितने भी क्वेश्चंस आएंगे कोई भी क्वेश्चन आप लोग को ये सब नहीं करना है, ठीक है। 15 के नीचे ये सब कोई भी क्वेश्चन आप लोग को नहीं करना है क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो है वो वर्ड प्रॉब्लम टाइप्स के क्वेश्चन है और ये सारे क्वेश्चन हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है, सिलेबस से हटा दिया गया है। तो 15 के बाद, यहाँ पे 15 के बाद, 15 से ही आप समझ लेना, बाद नहीं, 15 से ही आप लोग समझ लेना कि ये नीचे जितने भी क्वेश्चन आएंगे वे सारे नहीं करने हैं। अब यहाँ से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको 100% फिक्स करना ही है, वहाँ पे मैं आप लोगों को टिक कर दे रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 13 देख लो, ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार हमारे एग्जामिनेशन में पूछा गया है। इसके बाद यहाँ पे कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि मिसिंग है, वो आपको RS अग्रवाल या फिर RD शर्मा मिलेंगे और मैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियोज़ मैं लाऊंगा बहुत ही जल्दी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। अभी तक मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक ही मैंने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियोज़ बनाया हुआ है, तो जब मैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियोज़ लाऊंगा तो वो आप वीडियो देख लेना क्योंकि इसमें कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे सम से रिलेटेड छोड़े गए हैं NCERT में जो कि नहीं है और वैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आता है। ओके, बाकी यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 13 को आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लेना और बाकी इन सब में से किसी भी क्वेश्चन को मतलब छोड़ना, सारा ही इंपॉर्टेंट है, सबको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिस्ट में रखना और 8 और 13 को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिस्ट में। ओके, सो ये हो गया हम लोग का चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आगे इसमें एक ऑप्शनल एक्सरसाइज भी है, तो ऑप्शनल एक्सरसाइज भी करने का आपको इसका आवश्यकता नहीं है क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस लगभग दिए हुए हैं सभी वर्ड प्रॉब्लम टाइप्स में ही दिए हुए हैं एक्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 2। बस आप क्वेश्चन नंबर 2 का इसका आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाकी आप लोग को इसमें से कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये हो गया चैप्टर 5, अब चलो चैप्टर 6 को देखते हैं। अब चैप्टर 6 है ट्रायंगल, तो इसमें एक्सरसाइज अगर हम 6.1 का बात करें तो कुछ फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है। ओके, बाकी प्रैक्टिस के लिए तो हमें सीखना ही है इन सब चीज़ों को, बेसिक चीज़ें जानने के लिए ये सब चीज़ें हमें जानना ही पड़ेगा, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सरसाइज 6.1 नहीं आएगा। आगे सिमिलरिटी ऑफ ए ट्रायंगल से रिलेटेड हम लोग के यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, देखते हैं। अब जैसे देखो यहाँ पे एक थेल्स थ्योरम दिया हुआ है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है और ये थ्योरम इस बार खास करके 2021 बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खास करके बेसिक मैथ्स चुनने वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो ये क्वेश्चन आप लोग जरूर कर ले, 100% फिक्स जरूर आएगा, स्टैंडर्ड के लिए भी और बेसिक के लिए भी। किसी सेट में ये थ्योरम दिया रहेगा तो किसी दूसरे सेट में पाइथागोरस थ्योरम रहेगा, पाइथागोरस थ्योरम या तो फिर थेल्स थ्योरम, दोनों में से एक थ्योरम आपके एग्जाम में 100% फिक्स पूछा ही जाएगा। ओके, तो ये थ्योरम आप लोग जरूर कर ले पूरा का पूरा ये प्रूव करने के लिए, हालांकि मैं आप लोग को ये सारी चीज़ें सिखाऊंगा मैथ्स की सीरीज में। ओके, चलो आगे देखते हैं इससे रिलेटेड जो भी यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आगे यहाँ पे थ्योरम 6.2 है तो ये उतना इम्पॉर्टेंट यहाँ पे नहीं है, तो इस थ्योरम को करने की आवश्यकता आपको नहीं है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, तो जो भी एग्जाम्पल्स आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है तो वो बस मैं आप लोग को टिक करवा दे रहा हूँ, उस एग्जाम्पल्स को आप लोग जरूर कर ले। एग्जाम्पल 1 आपके एग्जामिनेशन के लिए उतने इम्पॉर्टेंट नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हो, चाहे एग्जाम्पल 2 है तो ये भी उतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है तो इसको भी आप स्किप कर सकते हो। प्रैक्टिस के लिए आप बनाना चाहो तो बना सकते हो क्योंकि ये आपके सिलेबस में है, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में नहीं आएगा फिलहाल। अभी मैं आप लोग कुछ बता दे रहा हूँ, ये भी क्वेश्चन जैसे है, ठीक है, तो ये भी आपके एग्जामिनेशन में आने का बहुत ही कम चांसेस है। जो ट्रायंगल के जो क्वेश्चंस हैं वो आप कोशिश करो कि RS अग्रवाल से प्रैक्टिस करो और वहाँ से बना लो, RS अग्रवाल में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए हुए हैं और वहाँ से एग्जाम में कई सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि आते हैं ट्रायंगल से खास करके, तो ट्रायंगल से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप RS अग्रवाल से करो तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर हम एक्सरसाइज 6.2 का बात करें तो एक्सरसाइज 6.2 में ऐसे क्वेश्चंस भी हमारे परीक्षा में नहीं आते हैं कि हम
यहाँ पे इन सब का साइट का जो है वो वैल्यू फाइंड करें। तो ये सब भी हमारे लिए उतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे लिए यहाँ पे एक क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 है। तो ये क्वेश्चन आप लोग टिक कर ले, ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जामिनेशन में आते हैं। चाहे यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10, इन सब क्वेश्चन को आप लोग जरूर कर लेना। इसके बाद आगे क्रिटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल है, तो इससे रिलेटेड यहाँ पे हमें कुछ थ्योरम मिलेंगे, कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, तो जो भी इम्पॉर्टेंट होगा वह मैं आप लोगों को बता दूंगा। अब देखो यहाँ पे एक थ्योरम दिया हुआ है कि इफ़ इन टू ट्राइंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर द सेम रेशियो एंड हेंस द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। अब देखो यहाँ पे ये भी जो थ्योरम है ना उतना इम्पॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है। सो ये थ्योरम भी आप अगर करना चाहते हो तो कर सकते हो। बाकी मैंने आप लोगों को दो थ्योरम बता ही दिया है, थेल्स थ्योरम और पाइथागोरस थ्योरम, तो वो दोनों ही थ्योरम को आप लोग जरूर कर लेना, ठीक है। बाकी ये सब आप लोग करने का आवश्यकता नहीं है। अब देखो यहाँ पे जैसे सिमिलरिटी के लिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है, तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम्पल जो है उतना इम्पॉर्टेंट है नहीं। जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूंगा। एग्जाम्पल 6 भी उतना इम्पॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है, 7 भी उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, ऐसे क्वेश्चन भी परीक्षा में नहीं आते हैं। ओके, जो आएंगे मैं यहाँ पे आप लोगों को बता दूंगा। एग्जाम्पल 8 आप लोग टिक कर लेना, और वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एकदम हाई चांसेज है कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। इसके बाद हम आगे आते हैं एक्सरसाइज 6.3 में। तो एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 आपको नहीं करना है, क्वेश्चन नंबर 2 भी नहीं करना है। आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 जरूर कर ले, ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में हाई चांसेस है कि दिया हुआ रहेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 भी आप लोग जरूर कर ले, क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको करने हैं, क्वेश्चन नंबर 6 भी करने हैं, क्वेश्चन नंबर 7 आपको फिर करने का आवश्यकता नहीं है, ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद आगे आते हैं, फिर यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 9 इम्पॉर्टेंट दिया हुआ है, ठीक है, तो जो जो टिक कर रहा हूँ उसको टिक करते रहें और उन क्वेश्चंस की आप लोग जरूर प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन नंबर 10 को आप लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिस्ट में रख लें, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन बार बार एग्जामिनेशन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप लोग टिक कर ले। क्वेश्चन नंबर 12 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये आप नहीं भी टिक करोगे तो चलेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 इंपॉर्टेंट है, और इधर हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 11, 13, 16, तो ये सब सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिस्ट में आप लोग के आ जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग ये सब कर लेना, ठीक है, जरूर करना, आप लोग इस सब क्वेश्चंस को मत छोड़ना, वरना फिर यहीं से आपके क्वेश्चन जरूर दिए हुए रहेंगे। अब ये वाला जो थ्योरम है, इस थ्योरम को 2021 बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए हटा दिया गया है, तो ये थ्योरम आपके एग्जाम में नहीं आएगा प्रूव करने के लिए। तो इस क्वेश्चन को, तो इस थ्योरम को तो आपको करना ही नहीं है। बाकी हम लोग आगे देखेंगे इससे रिलेटेड एक्सरसाइज 6.4 को। तो जब ये थ्योरम ही नहीं आएगा, तो फिर जब हमने थ्योरम ही नहीं समझा तो क्वेश्चन कहाँ से आएगा। सो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जामिनेशन में कुछ भी नहीं आएंगे, ऐसे क्वेश्चन की आप लोगों को प्रैक्टिस करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अब आते हैं पाइथागोरस थ्योरम में, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है आपके एग्जामिनेशन के लिए। इसका कन्वर्स हटाया गया है, आपको इसका कन्वर्स नहीं करना है, लेकिन पाइथागोरस थ्योरम करना है। ओके, जैसे ये वाला है, ये आप लोगों को करना है, और इसका जो कन्वर्स होगा वो आप लोग को नहीं करना है। ओके, जैसे ये इसका कन्वर्स है, तो ये आप लोग को नहीं करना है। चलो आगे देखते हैं, नेक्स्ट हम लोग का यहाँ पे एक एग्जांपल आता है, एग्जांपल 11, तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग जरूर टिक कर ले। नेक्स्ट आगे देखते हैं, इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 12, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी आप लोग अच्छे से ज़रूर प्रैक्टिस करें। इसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर 13 भी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप लोग टिक कर ले। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को आप लोग बिल्कुल भी मत छोड़ना, ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी हाई चांसेस है कि दिया हुआ रहेगा। अब अगर हम एक्सरसाइज का बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 1 कोई ज़रूरी नहीं है इसको करना, क्वेश्चन नंबर 2 भी उतना आवश्यकता नहीं है, क्वेश्चन नंबर 3 भी जरूरी नहीं है, क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन 5 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन 6 इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन 7 इंपॉर्टेंट है, तो ये सारे क्वेश्चन आप लोग कर लेना। ओके, इन सबको टिक कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिस्ट में सबको शामिल कर लेना। ओके, आगे हम लोग का क्वेश्चन नंबर 8 भी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन नंबर 9 इंपॉर्टेंट है, इसको कर लेना टिक, और क्वेश्चन नंबर इधर आगे हम लोग देख लेते हैं, इधर 10, 11 जो है ये सब करने की आवश्यकता आपको नहीं है। एक 12 नंबर आप लोग फिर टिक कर लेना, 12 इंपॉर्टेंट होगा।
और इधर फिर अगर हम 13 से देखें तो 13 नंबर भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, इसको भी टिक कर लेना। 14 नंबर इम्पॉर्टेंट है, इसको टिक कर लेना। 15 कर लेना, 16 भी कर लेना, और 17 आपका एमसीक्यू में दिया हुआ रह सकता है तो 17 को भी कर ही लेना। ओके, सो ये सब यहाँ पे हो गया। अगर हम ऑप्शनल का बात करें तो ऑप्शनल में यहाँ पे कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आ सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 नहीं आएगा, ये बहुत ही कम चांस है कि क्वेश्चन नंबर 2 देगा। बाकी क्वेश्चन नंबर 3 भी आ सकता है, क्वेश्चन नंबर 3 को भी आप लोग कर ले। क्वेश्चन नंबर 4 भी आ सकता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 भी इम्पोर्टेंट है, 5 काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सो 5 को ज़रूर आप लोग कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आप इसको नहीं भी करते हो तो चलेगा। बाकी क्वेश्चन नंबर 7 भी इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सब भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके, तो ये सब आप नहीं भी करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग कर लेना, और 10 भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके, हालांकि ये क्वेश्चन आपको आरएस अग्रवाल में भी मिल जाएगा, तो ये क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग कर लेना। तो ये हम लोग का ट्रायंगल चैप्टर भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम लोग आगे आते हैं चैप्टर 7 में। सो चैप्टर 7 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसके एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। फर्स्ट वाला एग्जाम्पल उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जो भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट आएगा वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 2 है तो इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट कर लो, ये क्वेश्चन आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे क्वेश्चन नंबर 3 भी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट कर लो। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात आप लोग को बताना चाहूँगा कि ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, आप लोग का सेम क्वेश्चन नहीं दिया हुआ रहेगा, लेकिन इसी से रिलेटेड सेम टाइप के क्वेश्चन जरूर रहेंगे। ओके, चलो आगे देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 है, तो ये एग्जाम्पल भी आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। जो इक्विडिस्टेंट टाइप वाला जो क्वेश्चन रहता है वो अक्सर हमारे परीक्षा में पूछा जाता है। इसके बाद ये वाला जो क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन भी हमारे एग्जामिनेशन में काफ़ी बार पूछे गए हैं, तो ये भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ही शामिल होंगे, एग्जाम्पल 5। चलो नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि हमारा एक्सरसाइज से आएगा। तो डिस्टेंस फार्मूला से रिलेटेड एक को दो क्वेश्चन जरूर रहते ही हैं, तो खास करके बेसिक मैथ्स लेने वाले स्टूडेंट्स के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे हम लोग देखेंगे स्टैंडर्ड के लिए भी। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। इसके बाद 3 नंबर देखें तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो बेसिक हो या फिर स्टैंडर्ड हो। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 3 दोनों ही क्वेश्चन को टिक कर ले, क्वेश्चन नंबर 4 कर ले, क्वेश्चन नंबर 5 भी कर ले, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 को आप बस छोड़ के सारे क्वेश्चंस को आप लोग कर ले। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 उतना ज़रूरी है नहीं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अभी मैंने आप लोगों को ऊपर में बताया था कि इक्विडिस्टेंट वाला क्वेश्चन रहता है। इसके बाद इस टाइप वाला भी क्वेश्चन रहता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके, चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 और 10 बच गया, तो ये दोनों ही क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे सेक्शन फार्मूला से रिलेटेड हमें क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, तो चलो देखते हैं। इसका यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स भी मिलेंगे हमें। अब जैसे ये क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चन भी अक्सर हमारे एग्जामिनेशन में आते हैं, तो ये क्वेश्चन भी आपके वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में शामिल होगा। जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा वो भी मैं आप लोग को बताऊंगा। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमें रेशियो निकालने के लिए दिया हुआ रहता है, तो ये ऐसे क्वेश्चंस हर बार पूछे जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस की आप लोग प्रैक्टिस कर ले। ओके, इसके बाद यहाँ पे ये वाला जो क्वेश्चन है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे हमें कोऑर्डिनेट निकालने हैं इन दोनों का, तो ये कभी पूछता है कभी नहीं पूछता है, तो हाई चांसेस है कि नहीं पूछा जाएगा। बाकी आप लोग प्रैक्टिस कर लेना। चलो आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो 9 है, एग्जाम्पल 9। तो इसमें फिर से देखो रेशियो निकालने के लिए दिया गया है, तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में शामिल होगा। ऐसे क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं, लगभग हर बार हमारे एग्जामिनेशन में आता है। अब ये वाला क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये क्वेश्चन भी आप लोग को जरूर प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 7.2 से, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा, ये भी इंपॉर्टेंट होगा, ये भी इंपॉर्टेंट होगा। जैसे कि मैंने आप लोग को बताया है कि इस टाइप वाला जो क्वेश्चन रहेगा वो सेम टू सेम मे भी ना रहे, लेकिन इसी से रिलेटेड मिलता जुलता क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में जरूर रहेगा। सो इस तरह के क्वेश्चन की आप लोग को प्रैक्टिस करनी ही है। इसके बाद ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। इन सभी क्वेश्चन को आप लोग जरूर बनाएं क्वेश्चन नंबर 8 तक। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 क्या 9 भी आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और 10 उतना इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं होगा। तो 10 को अगर आप छोड़ना चाहते हो तो छोड़ सकते हो। बाकी प्रैक्टिस के लिए मैं आप लोग को सजेशन करूंगा कि इससे रिलेटेड जितने भी यहाँ पे क्वेश्चंस हैं सभी क्वेश्चंस को आप लोग जरूर बनाएं। यहाँ से क्वेश्चंस
किसी किसी साल में चेंज होते रहता है, कभी कुछ क्वेश्चंस आता है तो कभी कुछ क्वेश्चंस आता है। जो रिपीटेड क्वेश्चन है वो इक्विडिस्टेंट वाला है, रेशियो वाला है, तो मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताया हुआ है, तो उस टाइप वाले क्वेश्चंस को आप लोग बना लें। आगे एरिया ऑफ ट्रायंगल है, तो ये सिलेबस से हटा दिया गया है 2021 बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, तो ये तो हमें पढ़ना ही नहीं है। सो इससे रिलेटेड यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस आप लोग को दिख रहे हैं ये सारे क्वेश्चंस आप लोग को नहीं करने हैं। इसके बाद अगर हम ऑप्शनल का बात करें तो ऑप्शनल में ये रेशियो निकालने वाला आएगा, ये रिलेशन एक्स और वाई से रिलेटेड आएगा, ये सेंटर ऑफ ए सर्किल पासिंग थ्रू होता है तो क्या होगा, तो ये भी हम लोग का आएगा। इसके बाद इसका भी कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आएगा। तो यहाँ से 1 से 5 तक जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी क्वेश्चंस को आप लोग ज़रूर अच्छे से प्रिपरेशंस कर ले, और बाकी ये सब करने का आपको आवश्यकता नहीं है। ओके, ये सब नहीं आएगा 6 और 7। सो ये हो गया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8, तो ये भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो इसको भी आप लोग छोड़ सकते हैं। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर को। अब चैप्टर 8 है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर ऐसा है कि वैसे स्टूडेंट जिनको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना पसंद हो, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, तो उनके लिए ये चैप्टर बहुत ही आसान उनको लगता है। जबकि जिन बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री पसंद नहीं है तो उनके लिए ये चैप्टर बहुत ही हार्ड होता है। सो अब इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। अब देखो ये जो इस टाइप वाले क्वेश्चंस हैं, ऐसे क्वेश्चंस हमारे एग्जामिनेशंस में बिल्कुल भी नहीं आते हैं, खास करके इसका जो फर्स्ट वाला एक्सरसाइज होगा, चाहे जो भी सब आपको एग्जाम्पल्स अभी दिख रहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे एग्जामिनेशंस में बिल्कुल भी नहीं आते हैं। मैं आप लोग को यहाँ पर बता दूंगा कि जो भी क्वेश्चंस आएगा, जैसे एक्सरसाइज 8.1 है, एक्सरसाइज 8.1 से आपके क्वेश्चंस बहुत ही कम चांसेस हैं कि कोई भी क्वेश्चंस पूछा जाएगा। फिर भी यहाँ पे मैं आपको एक दो क्वेश्चन टिक कर दे रहा हूँ, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 7, इस क्वेश्चन को आप लोग बना ले, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, बाकी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं रहेगा। फिर आगे नेक्स्ट जो हम लोग का एक्सरसाइज आएगा ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, जिसमें आप लोग को 30 डिग्री, 45 डिग्री, ये वाला जो यहाँ पे डिग्री सब रहता है, तो साइन 30 डिग्री का क्या होगा, साइन 45 का क्या होगा, चाहे कॉस 60 का क्या होगा, तो ये सब से रिलेटेड क्वेश्चंस 100% फिक्स रहता ही है। यानी कि यहाँ पे आपको इस टाइप वाले जो क्वेश्चन दिख रहे हैं तो ऐसे में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है तो इस टाइप में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, तो ये क्वेश्चन नहीं आएगा। जो क्वेश्चन रहेगा वो डिग्री में दिया हुआ रहेगा, जैसे ये एक रह सकता है, तो ये एक इंपॉर्टेंट हमारे लिए रह सकता है एग्जाम्पल नंबर 8। इसके बाद और भी जो भी इम्पॉर्टेंट होगा मैं यहाँ पे आप लोगों को बता दे रहा हूँ, जैसे ये सारे, जैसे साइन 60 का वैल्यू हमें पुट करना है, कॉस 30 का वैल्यू पुट करना है, तो वैल्यू पुट करके बनाने वाला क्वेश्चंस हमारे एग्जामिनेशन में रहते हैं। तो यहाँ पे आपको जितने भी क्वेश्चन दिख रहे हैं ये छोड़ के, जो ट्रू फॉल्स है ये छोड़ के, इधर आपको जितने भी क्वेश्चन दिख रहे हैं सारे क्वेश्चंस आप लोग टिक कर ले और ये सारे क्वेश्चंस आप लोग बना लेना। ओके, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यहाँ पे ये वाला एग्जांपल भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये इतना इजी क्वेश्चन है कि मुझे नहीं लगता स्टैंडर्ड में पूछा जाएगा। अगर पूछा भी जा सकता है तो मे बी कि बेसिक में आ जाए 1 मार्क्स में, बाकी स्टैंडर्ड में बिल्कुल भी नहीं आएगा। इसके बाद एग्जांपल नंबर 10 जो है इम्पॉर्टेंट है, बेसिक स्टैंडर्ड दोनों के लिए, तो इसको आप लोग टिक कर ले। बाकी यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 11, तो ये भी नहीं आएगा। अगर हम इसके एक्सरसाइज का बात करें तो एक्सरसाइज में यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, इसके बाद यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, तो 3 और 5 इन दोनों क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से ज़रूर प्रैक्टिस कर ले। और ये सब सारा क्वेश्चन 1 मार्क्स में बेसिक में आ सकता है, स्टैंडर्ड में ये सब नहीं आएगा। ओके, चलो ये हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ओके, बेसिक स्टैंडर्ड दोनों के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 फिर हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सो ये हो गया। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग आते हैं, यहाँ पे ये सब सारे जो क्वेश्चंस हैं ये सारे क्वेश्चंस आपको अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से मिलेंगे। बच्चों को यहीं पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो ये क्वेश्चन नहीं आएगा, इस टाइप वाले क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ये बस प्रैक्टिस के लिए था। बाकी जो क्वेश्चंस आने के चांसेज हैं ये है एग्जाम्पल नंबर 13, इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 14। आइडेंटिटीज़ के जितने भी क्वेश्चंस मिलेंगे आप कोशिश करो सारे क्वेश्चंस की बनाने की। बाकी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपका ये एक होगा एग्जांपल नंबर 15, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम हाई चांसेस है कि ये क्वेश्चन 100% फिक्स है कि आप लोग का आ सकता है। सो एग्जांपल नंबर 15 आप लोग बनाने का कोशिश करो, लेकिन क्वेश्चन आप लोग कोई भी मत छोड़ना ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से रिलेटेड।
क्वेश्चन नंबर वन और टू एक्सरसाइज 8.4 का बिल्कुल भी नहीं आएगा, सो ये दोनों क्वेश्चंस करने का उतना आवश्यकता नहीं है। बाकी प्रैक्टिस के लिए आप सभी क्वेश्चंस को बनाओ, ओके। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थ्री का बात करें तो ऐसे क्वेश्चंस भी ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी से रिलेटेड तो बिल्कुल भी नहीं आएंगे, इसका आप लोग एमसीक्यू का प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी मुझे नहीं लगता यहाँ से भी कोई भी क्वेश्चंस दिया हुआ रहेगा, ओके, लेकिन प्रैक्टिस आप लोग जरूर कर लेना। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं यहाँ पर आप लोग को बता दे रहा हूँ, इन दोनों को अभी प्रैक्टिस कर लेना। ये क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसका फाइव का जो टू नंबर है ये इंपॉर्टेंट है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो फाइव का टू हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा एक्सरसाइज के लिए वो होगा ये क्वेश्चन नंबर फाइव, और यहाँ पे एक क्वेश्चन नंबर इसका ये एट है। ये दो क्वेश्चन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन नंबर एक थ्री, ये कई बार ये क्वेश्चन थ्री नंबर, फाइव नंबर और ये एट नंबर पूछा गया है। तो ये सभी क्वेश्चन आप लोग जरूर बनाएं। क्वेश्चन आप लोग कोशिश करो कि ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का सारा बनाओ, और जो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोला है इन तीनों को बहुत ही अच्छे से बनाने के लिए सीख लेना। सो ये हो गया हम लोग का ट्रिगोनोमेट्री। चलो हम लोग आगे देखते हैं हाइट एंड डिस्टेंस यानी अप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री के क्वेश्चंस को। सो सम अप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री यानी चैप्टर 9 से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा इसे अब हम देख लेते हैं। तो इस चैप्टर से कभी भी आपको इजी टाइप वाले क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। ये जो भी क्वेश्चन आप लोग को मिलेगा इस चैप्टर से आपके क्वेश्चन पेपर में वो थोड़ा सा लॉन्ग टाइप में मिलेगा, जैसे कि इस टाइप वाले क्वेश्चंस बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो प्रैक्टिस के तौर पे वैसे क्वेश्चंस को आप लोग बना सकते हो। बाकी ऐसे टाइप वाले भी क्वेश्चंस आप लोग को बिल्कुल भी आपके एग्जामिनेशंस में नहीं मिलेगा। मैं यहाँ पे आप लोग को जो भी इंपॉर्टेंट होगा वो मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। जैसे ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशंस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, 100% फिक्स टाइप वाला ये क्वेश्चन है। तो ये आप लोग जरूर अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। इसके बाद और भी हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि ये वाला भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम आगे आते हैं, अब ये क्वेश्चन भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस आप लोग अच्छे से कर लेना। चलो आगे देखते हैं, यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन टाइप वाला जो क्वेश्चन होगा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो ये भी आप लोग के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जामिनेशंस में अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है, तो वो भी आपका आ सकता है। इसके बाद यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल 7 का बात करें तो इस टाइप वाले भी क्वेश्चंस आपके आने के हाई चांसेस है, तो ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अभी तक हमने इस चैप्टर से तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखा है। इसके बाद अगर हम एक्सरसाइज का बात करें तो क्वेश्चन आप लोग कोशिश करना सारा बना लो प्रैक्टिस के लिए। बाकी जो इंपॉर्टेंट होगा मैं यहाँ पे वही सब क्वेश्चन आप लोग को टिक करके बता दे रहा हूँ। वन और टू उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, इसके बाद थ्री भी उतनी इंपॉर्टेंट हमारे लिए है नहीं। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट होगा वो एक हम लोग का क्वेश्चन नंबर फाइव हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर सिक्स होगा। इसके बाद हम लोग आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर एक एट इंपॉर्टेंट होगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर एट, ओके। इसके बाद आगे आते हैं हम लोग इधर हम लोग का क्वेश्चन नंबर एक 11 है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। नेक्स्ट इधर हम लोग आते हैं, इधर भी हम लोग के लिए उतना इंपॉर्टेंट ये सब सारे क्वेश्चंस है नहीं। इधर क्वेश्चन नंबर 14 को देखा जाए तो ये भी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी क्वेश्चन नंबर 15 एक इंपॉर्टेंट है, हाई चांसेस है कि ये भी आपके एग्जामिनेशन में आ जाए, और फिर क्वेश्चन नंबर 16 भी आपका एग्जामिनेशन में नहीं आएगा। सो जो भी क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे हाइट एंड डिस्टेंस से दिए हैं इन क्वेश्चंस को खास करके आप लोग जरूर प्रैक्टिस करें, खास करके उन क्वेश्चंस को जो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट बताया है। इस चैप्टर से मात्र मैंने 4 से 5 क्वेश्चन ही आप लोग को बताए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, और वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर रहेगा। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर को। अब चैप्टर 10 है सर्किल। तो सर्कल से एक थ्योरम जो कि आपके एग्जामिनेशंस में 100% फिक्स पूछा जाता है वो ये वाला है, ठीक है। तो थ्योरम 10.1 आप लोग बहुत ही अच्छे से कर ले, क्योंकि ये थ्योरम आपके एग्जामिनेशंस में जरूर आएगा सर्किल से, ओके। अगर हम एक्सरसाइज का बात करें तो इस टाइप वाले क्वेश्चंस आते हैं नहीं। बाकी क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आप लोग बना ले, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है। तो 3 और 4 आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। बाकी आप लोग 1 और 2 भी प्रैक्टिस कर लेना, हालांकि आते हैं नहीं ऐसे क्वेश्चंस, ओके। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ये 3 और 4 हो जाएगा, और एक वो वाला थ्योरम। इसके बाद अगर हम आगे आएँ तो यहाँ पे 1-2 थ्योरम आप लोग को और मिलेंगे जो कि आपके आने के चांसेस हैं, जैसे कि ये वाला है। लेकिन फर्स्ट वाला जो हमने थ्योरम देखा वो हाई चांसेस आने का, हालांकि ये भी थ्योरम आप लोग के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि हमने फर्स्ट वाला थ्योरम देखा। तो ये हो गया, ये वाला थ्योरम भी आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है। इसके बाद अगर हम इस क्वेश्चन का बात करें तो ये क्वेश्चन आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे हम लोग का एग्जाम्पल नंबर 2 है, तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं दिए हुए हैं।
इधर हम लोग का एग्जाम्पल नंबर 3 है, तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, जो भी इम्पॉर्टेंट होगा वो मैं आप लोग को यहाँ पे बता दूंगा। बाकी यहाँ पे कुछ एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस हैं, तो एमसीक्यू टाइप्स के क्वेश्चंस के आप लोग प्रैक्टिस कर लेना, और इसमें से भी कोई गारंटी नहीं है कि कौन सा क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा, इसीलिए मैं यहाँ पे सबको इम्पॉर्टेंट नहीं कर सकता, तो आप लोग प्रैक्टिस कर ले उन क्वेश्चंस का। ओके, इसके बाद यहाँ पे आपको जितने भी क्वेश्चन दिख रहे हैं इन सभी क्वेश्चंस को आप लोग को बनाना है। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है, लेकिन इसमें से हाई चांसेस रहता है कि थ्योरम ही आए, जो कि थ्योरम मैंने अभी आप लोग को बताया है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन हमारे एग्जामिनेशन में नहीं आते हैं। ओके, तो आएगा तो आपके एनसीईआरटी से ही इन्हीं सब में से आ जाएगा कोई भी एक क्वेश्चन। आपको सर्किल आउट दूसरा किताब जैसे आर एस अग्रवाल हो गया या फिर आर डी शर्मा हो गया, तो वो सब से करने का आवश्यकता नहीं है, सर्किल से ओनली 3 मार्क्स का ही क्वेश्चन आता है, तो आपका थ्योरम ही पूछ दिया जाएगा, या तो फिर थ्योरम नहीं आता है तो ये आएगा यहाँ से। ओके, इसके बाद ये सब में से सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा वो ये क्वेश्चन नंबर 11 होगा, बाकी क्वेश्चन नंबर 12 आपके एग्जामिनेशन में नहीं आएगा, और क्वेश्चन नंबर 13 थोड़ा सा चांस है कि एग्जामिनेशन में आ सकता है, तो आप इसको इंपॉर्टेंट बोल सकते हो, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको आप नहीं बोल सकते हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है क्वेश्चन नंबर 11, तो 11 नंबर आप लोग को जरूर बनानी है। सो ये हो गया हम लोग का यहाँ पे सर्किल चैप्टर भी खत्म, चलो नेक्स्ट चैप्टर को अब हम देखते हैं। सो चैप्टर 11 है कंस्ट्रक्शन, एक्सरसाइज 11.1 या उससे पहले आपको कोई भी क्वेश्चंस नहीं करना है, क्योंकि वे सारे क्वेश्चंस हमारे सिलेबस से रिमूव कर दिया गया है 2021 बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, तो वे सारे क्वेश्चंस आप लोग को नहीं करने हैं। बाकी हम लोग का सिर्फ एक ही एक्सरसाइज और बच जाता है, एक्सरसाइज 11.2, तो यहीं में से हम लोग के क्वेश्चंस एक जरूर दिया हुआ रहेगा हमारे परीक्षा में। अब जो हाई चांसेस है, जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, वो क्वेश्चन नंबर 1 बेसिक के लिए और स्टैंडर्ड के लिए क्वेश्चन नंबर 4, बाकी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट ये 1 से लेके 4 तक पूरा का पूरा है, लेकिन आपको सबसे ज़्यादा मेहनत कहाँ करनी है, क्वेश्चन नंबर 4 स्टैंडर्ड वालों के लिए और क्वेश्चन नंबर 1 बेसिक वालों के लिए। ओके, तो ये हो गया कंस्ट्रक्शन, और इसमें और क्वेश्चन है नहीं, आप यहाँ पे देख सकते हो। ओके, यहाँ पे ये जो 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं तो ये आप लोग के लिए उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चैप्टर भी खत्म होता है। चलो आगे देखते हैं चैप्टर 12 से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। अब चैप्टर 12 है एरियाज रिलेटेड टू सर्किल, तो इसमें एक ही एग्जाम्पल है जो कि हमारे एग्जामिनेशन के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर हम एक्सरसाइज 12.1 का बात करें तो इसमें क्वेश्चन नंबर 2 ही है जो कि हमारे एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इस क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी इससे रिलेटेड एक्सरसाइज 12.1 में और भी कोई क्वेश्चन हमारे एग्जामिनेशन में नहीं आएगा, पहले इस तरह के क्वेश्चन आते थे और लेकिन अब इस टाइप वाले क्वेश्चन नहीं आते हैं। जो क्वेश्चन आएगा हमारे एग्जामिनेशन में वो एरियाज ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ ए सर्किल से आएगा, ठीक है, इस टॉपिक से। तो यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे मैं यहाँ पे आप लोग को टिक करवा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं पहले इसके एग्जाम्पल्स को, जैसे ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए ये वाला होगा, ठीक है। इसके बाद हम आगे के भी क्वेश्चंस को देखते हैं। अब ये वाला जो क्वेश्चन है आपके सिलेबस से रिमूव कर दिया गया है, ठीक है, 120 डिग्री वाला जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जामिनेशन में नहीं आएगा, तो ये आपको बिल्कुल भी नहीं बनाना है, ठीक है, ये बिल्कुल भी आपके एग्जामिनेशन में नहीं आएगा। इसके बाद अगर हम एक्सरसाइज 12.2 का बात करें तो आपके लिए जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा मैं यहाँ पे आप लोगों को बता दे रहा हूँ, एक आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 कर लेना, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 कर लेना, क्वेश्चन नंबर 5 भी कर लेना, ये सब प्रैक्टिस के लिए है। ओके, हालांकि आप लोग को ये सारे क्वेश्चन बनाने हैं प्रैक्टिस के तौर पर, लेकिन इन क्वेश्चन को ज़्यादा ध्यान से बनाना है। ओके, 3, 4, 5, इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा वो आप लोग देख लो, क्वेश्चन नंबर 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, ये आपके एग्जामिनेशन में जरूर आएगा। ये वाला क्वेश्चन नंबर 7 जो है देखो 120 डिग्री वाला है, तो ये आपके सिलेबस में नहीं है, तो ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी तैयारी नहीं करनी है। हॉर्स वाला क्वेश्चन हमारे एग्जामिनेशन में जरूर आता है, तो क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग को अच्छे से जरूर प्रैक्टिस कर लेनी है। इसके बाद आगे हम लोग का क्वेश्चन नंबर जो 9 था वो उतना इंपॉर्टेंट था नहीं, इसलिए मैंने स्किप कर दिया। इसके बाद इधर भी देखें तो इधर भी हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब भी नहीं है, तो ये सब अगर आप नहीं भी प्रैक्टिस करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, तो जो भी क्वेश्चंस मैंने ऊपर में आप लोगों को बताए हैं उन सभी क्वेश्चंस को बस आप लोग प्रैक्टिस करो, एरियाज रिलेटेड टू सर्किल से डेफिनेटली वहीं से क्वेश्चंस आपके मिल जाएंगे। इसके बाद हम आगे आते हैं, तो ये वाला भी एग्जाम्पल जो है आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, तो इसको भी हम स्किप करते हैं और आगे आते हैं।
इसके बाद हम इधर देखते हैं, तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, तो एग्जांपल नंबर 5 आप लोग अच्छे से जरूर देख ले। इस टाइप वाले क्वेश्चन हमारे एग्जामिनेशन में रहते हैं, ओके। जो एक फिगर टाइप वाला जो क्वेश्चन रहता है, चाहे इस टाइप वाला हो, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में दिए हुए रहेंगे। अब जरूरी नहीं है कि सेम इसी टाइप में रहेगा, लेकिन फिगर दिया हुआ रहेगा, आपको शेडेड पोर्शन का एरिया निकालने के लिए दिया हुआ रहता है। अब इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होगा इस एक्सरसाइज में, यहाँ पे मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओके। ये वाला क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और इधर फिर अगर हम आगे देखें जो भी इंपॉर्टेंट होगा, यहाँ पे मैं आप लोग को बता दूंगा, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपके एग्ज़ाम में रह सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसके बाद इधर देखें तो ये सब भी आप लोग के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा, ठीक है। ये सब जो क्वेश्चन दिख रहे हैं इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। जो भी शेडेड रीजन टाइप वाले क्वेश्चन हैं वहाँ पर मैंने आप लोग को ऊपर में बता ही दिया है। अच्छा, ये जो क्वाड्रेंट वाला क्वेश्चन रहता है, ये भी हमारे एग्जामिनेशन में आता है, तो ये वाला भी क्वेश्चन आप लोग जरूर अच्छे से देख लेना। इसके बाद ये सब भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में नहीं आएंगे, ये सब भी आप लोगों को प्रैक्टिस करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15, ये भी देखो एक क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्किल टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है, तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ओके। तो जितने भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखा रहा हूँ, इसकी प्रैक्टिस आप लोग जरूर कर लेना, और ख़ास करके ये क्वेश्चन नंबर 16 का, इसका भी आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। तो ये एरियाज रिलेटेड टू सर्किल से ये सभी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग आगे देखते हैं वॉल्यूम से। तो चैप्टर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होगा जो हमारे एग्जामिनेशन में आते हैं उसे अब हम देख लेते हैं। तो इसका एग्जांपल अगर हम 1 देखें तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा। इसके बाद आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में 100% फिक्स है कि इसी टाइप में क्वेश्चन आप लोग का रहेगा, और हो सकता है कि सेम यही क्वेश्चन भी रहे, तो ये क्वेश्चन आप लोग बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस करना, ओके। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन आपके लिए उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप लोग इसका भी प्रैक्टिस करके जरूर जाना। हम इसको वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, लेकिन उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, ओके। एग्जाम्पल 2 इतना ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, ओके। लेकिन हाँ, प्रैक्टिस इसको ज़रूर आप लोग अच्छे से कर लेना। बाकी अगर हम एग्जाम्पल 4 का बात करें तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका भी आप लोग को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है, ओके। अब इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में रह सकता है, 2 और 3 मार्क्स में आपका ये क्वेश्चन दिया हुआ रह सकता है, तो ये क्वेश्चन आप लोग कर ले। इसके बाद यहाँ पे और भी हम ये जो ट्वाई टाइप वाला जो क्वेश्चन रहता है, तो इस तरह के क्वेश्चन अक्सर हमारे एग्जामिनेशन में रहते हैं, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, इसलिए मैंने यहाँ पर आप लोग को 2 के बारे में नहीं बताया, ओके। इसके बाद आगे हम देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर 4, ये भी आप लोग के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद ये कैप्सूल वाला जो क्वेश्चन है, ये भी आप लोग के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद और भी यहाँ पे मैं आप लोगों को क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ। ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है, ये टेंट वाला क्वेश्चन आप लोग के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन का आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। अब जरूरी नहीं है कि सेम यही क्वेश्चन रहे, लेकिन इसी टाइप का सेम क्वेश्चन आप लोग का जरूर रहेगा। इसके बाद ये क्वेश्चन भी आप लोग के लिए इम्पॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन उतना ज़रूरी नहीं है, ओके। तो 7 और 8 इधर से हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग आगे आते हैं, ये वाला जो क्वेश्चन है हमारे लिए बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो इसको आप छोड़ सकते हो। बाकी इधर ये भी क्वेश्चन, इधर जो था ऊपर का ये सॉल्यूशन था, यहाँ पर अगर हम देखें ये वाला क्वेश्चन, तो ये भी हमारे लिए उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, ओके। जो भी इम्पॉर्टेंट होगा वो मैं आप लोग को बताऊंगा सिर्फ। अब ये वाला क्वेश्चन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, तो इसका आप लोग प्रैक्टिस कर लेना, इसको आप लोग टिक कर लो। नेक्स्ट हम लोग आगे इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को देखते हैं। तो इसमें से ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में बिल्कुल भी नहीं रहेगा, क्वेश्चन नंबर 2 भी नहीं रहेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 भी आपके एग्जाम में नहीं रहेगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन, क्वेश्चन 5 है, जो कि आपके एग्जामिनेशन में रह सकता है, लेकिन चांसेस इसमें भी बहुत कम है कि ये रहे, ओके। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 है, जो कि आपके एग्जामिनेशन में रहने का हाई चांसेस है, तो इसको आप लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना, ओके। क्वेश्चन नंबर 7 भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 6 की तरह ही है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 8 भी। इन तीनों में से एक क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में रह सकता है, तो ये तीनों ही क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओके। चलो नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं।
इसके बाद यहाँ पे कौन से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इस टाइप का क्वेश्चन 2 और 3 मार्क्स में आपका रह सकता है। ओके, खास करके बेसिक वालों के लिए, स्टैंडर्ड का रहे या ना रहे लेकिन बेसिक वालों के लिए ज़रूर रहेगा। इसके बाद ये जो क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में रह सकता है, ये भी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट ही है। तो एग्जाम्पल 9 भी आप लोग जरूर कर ले, एग्जाम्पल 10 भी आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसका भी आप लोग प्रैक्टिस कर लेना। इसके बाद एग्जाम्पल 11 भी आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसका भी आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को देखते हैं। तो ये जो मेटेलिक स्फेयर टाइप में है, जो कि रिकास्ट करके सिलेंडर बनाया जाता है, तो इस टाइप वाले भी क्वेश्चंस आते हैं 2 और 3 मार्क्स में। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 1, 2 है, तो ये दोनों करना ही है, 3, 4 ये भी आप लोग करना है। यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ से यहाँ तक में जितने क्वेश्चन है, इसमें से 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में ज़रूर रहेगा। तो यहाँ से यहाँ तक के जितने भी क्वेश्चन हैं, खास करके कोन वाला और स्फेयर वाला, तो उसके क्वेश्चन आप लोग अच्छे से ज़रूर बनाएं। इसके बाद इधर से अगर हम देखें तो ये जो वाटर कैनल वाला जो क्वेश्चन टाइप रहता है, अक्सर हमारे एग्जामिनेशन में कई बार पूछा हुआ है, तो ये आप एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन हमारे लिए है, एकदम 100% फिक्स जो एक टाइप का जो क्वेश्चन हम लोग का कर सकते हैं, वो क्वेश्चन नंबर 8 है। ओके, और ये फिर उतना इम्पॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है। आप प्रैक्टिस करना चाहते हो, बनाना चाहते हो तो बना सकते हो, लेकिन जो भी मैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ उसको आप लोग को ज़रूर करना है। और इसके बाद ये जो फ्रस्टम ऑफ ए कोन है, तो ये वाला टॉपिक 2021 बोर्ड एग्जामिनेशन से हटा दिया गया है, तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, और इसके बाद और भी कोई दूसरा टॉपिक है भी नहीं, तो बस वॉल्यूम से इतने ही क्वेश्चन आएंगे। अब चलो नेक्स्ट चैप्टर को देखते हैं। सो चैप्टर 14 है स्टैटिस्टिक्स। एक्सरसाइज 4.1 का अगर हम बात करें, तो जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी क्वेश्चंस में हमें मीन निकालना है, और मीन निकालने के लिए इससे पहले हमें 3 मेथड पढ़ने थे, उसमें से एक मेथड को 2021 बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए हटा दिया गया है, स्टेप डेविएशन मेथड। तो उस मेथड का आपको यूज़ नहीं करना है, आपको एज्यूम्ड मीन मेथड या फिर डायरेक्ट मीन मेथड से आपको यहाँ पे मीन फाइंड करना है। जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चंस आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, कोई भी क्वेश्चंस रैंडमली आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है, ठीक है। तो आप लोग को बस क्या करना है, मीन निकालने के लिए सीख लेना है। इसके बाद यहाँ पे मीडियन भी आप लोग को निकालने के लिए सीखना पड़ेगा, और एक मोड निकालने के लिए सीखना पड़ेगा। तो कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, इसमें से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ये निकाला जा सकता है कि ये इम्पॉर्टेंट है, इसमें से रैंडमली कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में रह सकता है, हो सकता है कि NCERT से रहे, हो सकता है आरएस अग्रवाल से रहे, लेकिन हमें क्या करना है, हमें सिर्फ मेथड सीखने हैं। अगर आपने मेथड सीख लिया तो आप आराम से किसी भी क्वेश्चन को बना सकते हो, ठीक है। मीन, मोड, मीडियन, ये तीनों ही निकालने के लिए बस आप लोग सीख ले, ठीक है। जैसे कि इससे पहले वाला जो एक्सरसाइज था, सारे क्वेश्चन में हमें मोड निकालना था, और यहाँ पे आगे हम जितने भी क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट वाला एक्सरसाइज, इस सभी में हमें मीडियन निकालना है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और 2021 बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो हटाया गया है, वो है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो ग्राफ बनता है वो वाला। यहाँ पे आपको मैं क्वेश्चन भी दिखा दे रहा हूँ जो उस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो वो भी मैं आप लोग को दिखा दे रहा हूँ कि वो क्वेश्चन बस आप लोग ना करें, बाकी इससे रिलेटेड मीन, मोड, मीडियन, ये तीनों आप लोग निकालने के लिए सीख जाएं। ओके, यहीं से आपके क्वेश्चन मिल जाएंगे। यहाँ पे जो ग्राफ वाले क्वेश्चन हैं, जैसे ये सब इस टाइप वाले जो ग्राफ वाला क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है, तो वो आप लोग को नहीं करना है। यानी कि 14.5 यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो, तो इसके बाद जो भी चीज़ आप लोग को मिलेगी वो सारी चीज़ आप लोग छोड़ देना, इतना ही तक आप लोग करना है, बस मीन, मोड, मीडियन ही निकालने के लिए आप लोग को सीखना है। सो ये भी चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब एक लास्ट चैप्टर बच गया, प्रोबेबिलिटी, तो चलो उसे भी देख लेते हैं। सो चैप्टर 15 है प्रोबेबिलिटी। चलो इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। तो ये जो एग्जाम्पल 1 है ये आप लोग के लिए उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इतना इजी क्वेश्चन आप लोग का नहीं रहेगा। लेकिन एग्जाम्पल 2 आप लोग के लिए इम्पॉर्टेंट है, खास करके बेसिक वालों के लिए। इसके बाद हम आगे के भी क्वेश्चंस को यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल और हम लोग का दिया गया है, तो ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में नहीं आएगा, ठीक है। जो भी क्वेश्चन आएगा यहाँ पे मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट आगे देखते जाते हैं। इसी तरह से यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया हुआ है एग्जाम्पल 4, तो ये एग्जाम्पल 4 जो है स्टैंडर्ड और बेसिक दोनों तरह के मैथ्स चुनने वाले स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आप लोग बहुत ही अच्छे से कर ले। ओके, तो ये आप लोग के लिए मैं कह सकता हूँ कि 95% चांसेज हैं कि ये क्वेश्चन आपका जरूर रहेगा, तो ये क्वेश्चन आप लोग जरूर कर ले, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इसको आप टिक कर ले। इसके बाद ये वाला जो क्वेश्चन है, ऐसे टाइप वाले जो क्वेश्चन है ये नहीं आते हैं,
तो ये क्वेश्चन आप लोग का नहीं आएगा। इसके बाद यहाँ से ये भी जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ये भी क्वेश्चन आप लोग के एग्जामिनेशन में बिल्कुल भी नहीं पूछा जाएगा। और यहाँ पे जो इतना बड़ा आपको वर्ड प्रॉब्लम टाइप का जो क्वेश्चन देख रहा है, तो ऐसे भी क्वेश्चन नहीं आते हैं। एक क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी में कुछ इस प्रकार से आता है कि आपको एक लंबा सा दिया हुआ रहता है और वो आप लोग को समझ के लिखना रहता है, वो आप लोग का एनसीईआरटी किताब में भी नहीं मिलेगा। वैसे क्वेश्चन की मैं प्रैक्टिस करवाऊँगा, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो वीडियो जाएगी तो उस टाइम बस आप लोग देख लेना। इसके बाद एग्जाम्पल 8, ये भी आप लोग के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो ये भी आप लोग के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो ये भी आप लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में टिक कर लेना। इसके बाद एग्जाम्पल 9 उतना इम्पॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है, ओके। इसके बाद यहाँ पे एक और एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 10, ये भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। जो भी इम्पॉर्टेंट होगा सिर्फ वही मैं आप लोग को बताऊँगा। अब एग्ज़ाम्पल 11 है, तो ये भी आप लोग के लिए इतना इम्पॉर्टेंट है नहीं, तो इसको भी हम स्किप करते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये क्वेश्चन आप लोग बहुत ही अच्छे से जरूर कर ले। इस टाइप का एक क्वेश्चन दिया हुआ रहता है, हमें क्वेश्चन समझना पड़ता है एक लंबा सा। अब जरूरी नहीं कि सेम यही रहेगा, बट इस टाइप में एक जरूर रहेगा, तो यहाँ से आप लोग इस चीज़ को अच्छे से ज़रूर समझ लें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 भी आप लोग के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद हम आगे आते हैं इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन में। तो फिल इन द ब्लैंक्स टाइप में भी एक क्वेश्चन आप लोग का दिया हुआ रहता है, या तो एमसीक्यू में, तो ये आप लोग अच्छे से जरूर इसके प्रोबेबिलिटी को अच्छे से जरूर समझ ले, इसके फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन को। फिर इधर आपका क्वेश्चन नंबर 2 नहीं रहेगा, क्वेश्चन नंबर 3 भी नहीं रहेगा, क्वेश्चन नंबर 4 भी नहीं दिया हुआ रहेगा, क्वेश्चन नंबर 5 1 मार्क्स में रह सकता है, तो ये आप लोग अच्छे से कर ले। क्वेश्चन नंबर 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये आप लोग को करना है। क्वेश्चन नंबर 7 इम्पॉर्टेंट नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 और 9, ये दोनों का आप लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में टिक कर लेना, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन 10 जो है, ये भी हमारे लिए उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये भी क्वेश्चन इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 जो है, ये इम्पॉर्टेंट होगा आप लोग के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 14 भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से यहाँ तक जितने भी क्वेश्चन देख रहे हैं, सारे क्वेश्चन आप लोग के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते हैं, चाहे क्वेश्चन नंबर 15 हो, कार्ड 16 भी एक क्वेश्चन फिक्स रहता है, ओके, तो ये भी आप लोग के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 16 फिर आप लोग का नहीं आएगा, ऐसे क्वेश्चन बहुत ही कम चांसेस रहते हैं कि पूछा जाता है, चाहे 17 हो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 जो है, फिर आप लोग के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा, ओके, तो ये सब सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। इसके बाद इधर से आप लोग के क्वेश्चन नहीं आएंगे, इस टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो इधर भी आप लोग का क्वेश्चन नंबर 23 तक नहीं आएगा, एक क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग टिक कर लेना, ये आ सकता है, क्योंकि इस टाइप वाले क्वेश्चन कई बार दिए हुए रहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 25 नहीं आएगा, इसका ऑप्शनल आप लोगों को करने की आवश्यकता नहीं है, प्रोबेबिलिटी का ऑप्शनल से जल्दी नहीं पूछा जाता है। आपके जो भी क्वेश्चन मिल गए हैं ऊपर में, आप लोग को वहीं से लगभग जितने क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग का मिल जाएगा, ठीक है। फिर भी अगर आप ऑप्शनल करना चाहते हो तो 3 और 4 को आप लोग अच्छे से बस देख लेना, ठीक है। अगर आना रहेगा तो यहीं से आएगा, लेकिन बहुत ही कम चांसेज है कि ऑप्शनल से आप लोग का क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा प्रोबेबिलिटी से। सो हम लोग का यहाँ पे पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, और भी इसी तरह से दूसरे भी सब्जेक्ट अगर आपको चाहिए सारी चैप्टर्स वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किसी भी सब्जेक्ट का, तो आप लोग कमेंट करें, मैं इसी तरह से आप लोग को वीडियो बना के देता रहूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू।